16,000 रुपए जमा कर दो और मात्र आप 4,316 रुपए जमा करते रहो हर महीने। यानी कि नमस्कार दोस्तों, ये जो स्कूटर खड़ा है टीवीएस कंपनी का खड़ा है, जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट टॉप मॉडल में खड़ा हुआ है दोस्तों। अभी 4-5 महीने इसको लॉन्च हुए हो गए हैं। तो इसकी ऑन रोड कीमत क्या है और फाइनेंस से रिगार्डिंग इस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका डाउन पेमेंट कितना जाएगा। कम से कम डाउन पेमेंट जाएगा तो, लेकिन मैंने कम से कम डाउन पेमेंट करा दिया कि कम से कम डाउन पेमेंट इस स्कूटर के लिए आपको कितने का देना पड़ेगा और 18 महीने की कितनी किस्त बनेगी, 24 महीने की कितनी बनेगी और 36 महीने की कितनी बनेगी। और साथ के साथ कॉम्बो में मैं इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये जो ऑन रोड कीमत लेंगे उस प्राइस में आपको क्या क्या दे रही है टीवीएस कंपनी, सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग है और आपके काम की है। अगर आपको ये स्कूटर में आना है टीवीएस 125 स्मार्ट कनेक्ट में, तो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है। तो बने रहो वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है आपके लिए, और शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी की मैं कीमत की बात करूंगा कि ये गाड़ी टोटल आपको कंप्लीट ऑन रोड कितने की पड़ने वाली है। ये कंप्लीट आपको पड़ेगी 1,21,000 रुपए की, 1,21,000 रुपीज की। कहाँ के प्राइस हैं ये, आपको जो टीवीएस का शोरूम दिख रहा है ये बीएस मोटर्स बूढ़े बाबा की पुलिया कुआसी बाईपास पर रोड पर पड़ता है ये शोरूम, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर एड्रेस है, फोन नंबर है, सब कुछ मैंने वहां पर मेंशन कर दिया है। अब 1,21,000 रुपए में क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है इस पार्ट को बराबर कर देते हैं, बाद में बताऊंगा स्पेसिफिकेशन। पहले अब पहलू आ जाता है कि इसका जो फाइनेंस है कम से कम कितने डाउन पेमेंट पे आपको ये गाड़ी निकल जाएगी। तो 16,000 रुपए में अगर आप 1,21,000 रुपए खर्च नहीं कर रहे हो तो सिर्फ 16,000 रुपए खर्च करो और ये गाड़ी आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। वही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जो है, आपका एक अच्छा सिविल होना चाहिए, आधार पैन फोटो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको 18 महीने की किस्त बनवानी है तो 18 महीने की बनेगी 7,248 रुपए की, 7,248 रुपीज की इसकी 18 मंथ की 1.5 साल की किस्त बनेगी। अगर आपको 24 महीने की किस्त बनवानी है यानी कि 24 मंथ की, तो बनेगी 5,763 रुपीज की। अब सब अगर आपको बहुत ही कम किस्त हो, मतलब होते हैं बहुत से लोग ये नहीं सोचते हैं कि कितना जा रहा है, पर ये सोचते हैं कि हमारे पास से कम जाए, कितना ब्याज जाए उनको मैटर नहीं करता, तो वो 16,000 रुपए भी पे करेंगे और वो लंबी किस्त बनवा लेंगे। तो उनके लिए बेस्ट ऑफर है कि 16,000 रुपए जमा कर दो और मात्र आप 4,316 रुपए जमा करते रहो हर महीने। यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 5 तारीख, महीने की 5 तारीख तक रिमाइंडर आ जाता है और महीने और पैसे बैंक से खुद में खुद कट जाते हैं। अगर खुद में खुद नहीं कटवाने तो मैनुअली भी आप जमा कर सकते हो। टीवीएस क्रेडिट ये कंपनी है, डेस्कटॉप बॉक्स में फाइनेंसर जो है यहाँ के शोरूम के, उनका नंबर भी मेंशन है। तो टीवीएस की किसी भी गाड़ी के बारे में उनसे पूछ सकते हो, है ना, अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो उनको भी सेवा का मौका दे सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो मेरे सामने ये थोड़ा सा मरून कलर का स्कूटर खड़ा हुआ है, शाइन करने वाला, मैट कलर नहीं है, ग्लॉसी कलर है। और 1,21,000 रुपए में कंपनी आपको ऑफर कर रही है क्रोम का वर्क, थोड़ा सा हेडलाइट में क्रोम का वर्क है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट की स्टिकरिंग और पूरी तरह से जो हेडलाइट है वो आपको LED में देखने को मिलती है, यानी कि हेलोजन में नहीं है। और साथ में DRL और हेलोजन में इसके इंडिकेटर्स के साथ आपको एक बजर की साउंड भी देखने को मिलेगी। ये देखो TVS का लोगो और यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी दोस्तों, और मदगार्ड जो है वो इसका आपको मेटल में देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, भाई साहब सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन की खासियत मैं बता दूं, हाइड्रोलिक वाले हैं, टेलीस्कोपिक सिंपल वाले नहीं है, हाइड्रोलिक वाले हैं, की आवाज जो आती है सस्पेंशन के ऊपर। रिफ्लेक्टर और ट्यूबलेस टायर है, 90x90 12 इंची के व्हील साइज के साथ है, अलॉय व्हील में है, ट्यूबलेस टायर है। अलॉय व्हील के होने के बावजूद भी डायमंड कटिंग दिया गया है, देखो अलॉय व्हील में डायमंड कटिंग। और 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, ये देख लो कौन सा वाला,
ये वाला गोल वाला नहीं, थोड़ा सा ये वाला देखने को मिलता है, अच्छा डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक भी होना ज़रूरी रहता है किसी भी गाड़ी में, अच्छे से आपको एकदम से गाड़ी रोकनी है वो भी ज़रूरी रहता है। आइए अब आपको दिखा देता हूँ इसका हैंडल बार और मीटर कंसोल। ये देख लो, मीटर कंसोल पूरी तरह से डिजिटल देखने को मिलेगा। ये जुपिटर 125 खुल के आया, हेलो राइडर लिख के आया। इसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, माइलेज और ट्रिप्स और आपका कितनी गाड़ी चल चुकी है और आपका टाइमिंग, डेट और हाई स्पीड वाला भी दिखाएगा इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें भी दिखाएगा ये जो आपको दिख रहा है, और मोड्स भी देखने को मिलेगा, और टीवीएस इंटेलिगो भी देखने को मिलेगा, और ब्लूटूथ भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। वो आपकी टीवीएस की ऐप से लॉक हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद एसएमएस कॉल वगैरह की इन्फॉर्मेशन इस मीटर कंसोल में देखने को मिलेगी, यानी कि 121,000 में पूरी तरह से डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा। और एक सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहूँगा, बहुत से लोग लिखते हैं कि कंपनी ने इसमें से किक गायब कर दी है। भाई साहब किक गायब करी है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ा दी है, आपको महसूस नहीं होगा कि आपकी गाड़ी फंस गई कहीं। बस इसमें वोल्टेज आते हैं, वोल्टेज उसका ध्यान रखिएगा, दिखाऊं मैं आपको वोल्टेज कहाँ आते हैं। ये देखिए बैटरी वोल्टेज दिख रहा है, जब आपको लगे कि आपकी बैटरी डाउन होने, मींस आपकी नहीं आपके स्कूटर की बैटरी डाउन होने वाली है, तो तुरंत जाके उसको रिप्लेस कराएं या उसको इंजन जो होता है मैकेनिक उससे चेक करा लें। क्या रहता है इसका, पैर रखने की जगह काफ़ी स्पेसियस हो जाती है, तेल जो है आपका आगे से ही पड़ेगा और यहीं से ही खुलेगा तेल वाला बूट स्पेस जो है ना, तेल वाला यहीं से खुलेगा। यहाँ ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, चार्जिंग वाला देखने को मिल जाता है, गाड़ी यहाँ से चार्ज होगी। अब स्विचेस की बात करूँ, ये देखो यहाँ पर हजार्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि चारों इंडिकेटर स्कूटर में, बाइक्स में सुना था लेकिन स्कूटर में भी चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं विद DRL, अच्छा लगू लग रहा है ना लुक। अब इधर से आ जाइए, इसमें एक मैट कलर भी देखने को मिलता है दोस्तों। चाबी दिखाऊं, चाबी कुछ इस टाइप से आती है जुपिटर की, ये देखिए। और अगर मोबाइल वोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं आप। अब बूट स्पेस की बात कर लें तो देखो भैया एक चीज़ में तो जीत जाता है ये बूट स्पेस में, 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता, बड़ा सा बूट स्पेस, और डबल हेलमेट भी आ सकता है या हेलमेट रख लो, सब्जी तरकारी और बच्चे के बैग वगैरह, किताबें वगैरह, कॉपी वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये देख लो ये बंद कर दिया मैंने, और पीछे आपको सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये बैक रेस्ट देखने को मिलती है, ग्रैब रेल के ऊपर अटैच है। सीट काफ़ी लंबी देखने को मिल जाती है और लंबी के साथ साथ कंफर्टेबल भी देखने को मिलती है, ये देख लो है ना, बढ़िया सौदा है ना। अब स्पेसिफिकेशन तो बताते जा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ये क्रोम कवर का जाता है, ये मेटल का पार्ट जाता है, जुपिटर लिखा हुआ है, पैर रखने की जगह, फुट रेस्ट, साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड, साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर, और बार हैंड देखने को मिलते हैं वो भी क्रोम के, और ये लग गया हैंड ब्रेक, अगर स्लोप वगैरह पे गाड़ी खड़ी है तो हैंड ब्रेक का सिस्टम भी इसमें गाड़ी में दिया होता है। इसको दबाओ और इसको ऐसे दबा दो तो काम कर जाएगा, और इसको हटाना तो ऐसे ये हट गया, यानी कि हिल्स वगैरह के लिए फायदेमंद चीज़ है। अब आ जाइए मैं आपको बैक प्रोफाइल विजिट करा देता हूँ इसकी। बैक प्रोफाइल बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की। ये देखिए दोस्तों इसकी बैक प्रोफाइल ऑन करके दिखाऊं, देखिए ये आपके आगे भी DRL और पीछे भी DRL देखने को मिलेंगे, हजार्ड ऑप्शन, और जो इसकी बैक लाइट है वो आपको हैलोजन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी और नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए लाइट भी दी गई है। ये फेंडर है और पीछे का टायर भी 90x12 इंची के व्हील साइज के साथ देखने को मिलता है। ये इसका मफलर है, मफलर के ऊपर स्टील की प्लेट है, ये देख लो कुछ इस टाइप से पैटर्न आता है। और गाड़ी में जो इंजन है वो आपको 125 सीसी का देखने को मिलता है, और टॉर्क जो है 10.5 एनएम की टॉर्क है, और गाड़ी में जो तेल भरा जाएगा पेट्रोल 5.1 लीटर भरा जाएगा, और माइलेज जो है भी अच्छा खासा हो जाता है इसका, 45 से 50 के दरमियान ये गाड़ी आपको, यानी 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये गाड़ी आपको माइलेज कोट कर देगी। लेकिन बशर्ते ये नहीं है कि आप 3 सवारियां बैठाएं, रफ लीक चलाएं, टायर प्रेशर अच्छा ना रखें और करके चलाएं, नो कभी गाड़ी कोई माइलेज नहीं देगी। इको कंडीशन में चलाएं, अच्छे से चलाएं, अच्छे से चलाओगे तो हर गाड़ी माइलेज देगी, ठीक है, बुलेट भी दे देती है अच्छे से जब चलवाओ तो। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां मैंने इसको आपको इसके गाड़ी के बारे में दे दी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ओवरऑल
स्मार्ट नाम से है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट नाम से। सच में ये स्कूटर सच में स्मार्ट है। टीवीएस कंपनी का सबसे टॉप वेरिएंट है, 125 सीसी में आता है, बूट स्पेस भी बढ़िया है और फिनिशिंग के मामले में भी अच्छा हो जाता है। 1,21,000 रुपये इसका ऑन रोड कीमत हो जाता है। अगर आपको लेना है तो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो बीएस मोटर्स पे कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर विजिट करें और मेरे नाम से लेंगे तो शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट भैया करते हैं उधर की तरफ बैठे हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।